देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ इतना खटपट खटपट की आवाज़ आप लोग ब्लॉग में जाती है। देखिए, एक ये बिल्डिंग बन रहा है, ये सामने जो ये है, एक वहाँ बन रहा है और एक मेरे इस खिड़की से ये सामने जस्ट बन रहा है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, ब्लॉग में मेरे जो आप लोगों को ऐसे ड्रिल मशीन जो अभी भी चल रही है उसकी आवाज़ ये सब मिलती होगी, तो बस यही है। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के रहम करम से हम लोग ठीक है। आज 18 मार्च सैटरडे और शैम लेकर के आ गए हैं। क्या है ये सर? राइस खत्म हो गया था तो थोड़ा सा राइस ले आया है और ये तरबूज। राइस तो राइस हमारे घर में ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स, तो आज आया है और तरबूज। इसको थोड़ा धो लेना। वो तो वैसे भी धो करके ही कट करती हूँ, मक्खी वगैरह सब पड़ता है ना, इसलिए अनहाइजीनिक नहीं होगा। अच्छा, देखिए देखिए। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी मॉर्निंग क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, मतलब वही बच्चे पढ़ने आने वाले हैं, तो फिर बिजी हो जाऊँगी। मैं भी थोड़ा पढ़ाऊँगी और शैम भी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर मैं जो काम वाम है वो अपना देखूँगी। पौधों में हमने पानी दे दिया फ्रेंड्स, बस यही मेरी रूटीन रहती है सुबह उठ के सबसे पहले। और आप क्या कर रहे हैं? वर्कआउट कर रहे हैं, सुबह सुबह करना चाहिए वर्कआउट। अच्छा, तो ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये अभी कर रहे हैं अपना बॉडी वार्म अप। इस तरह से करने से, एक्सरसाइज से पहले करना चाहिए। तो खाने बनाने का झंझट है नहीं फ्रेंड्स, हमने राइस बना लिया यहाँ, ये देखिए, और शाम के लिए, और कल वाला गोश्त बचा हुआ है, और नाइट के लिए हमने ये मतलब वही आलू का पराठा बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये सब करके रख लिया है। आलू कट करके रख लिया, इसे सिर्फ उबालना है, इसका बैटर तैयार करूँगी, उसके बाद नाइट में जब भूख लगेगी पराठा बना लूँगी। मैं तो शाम के टाइम ही खाऊँगी, तो उसी टाइम मैं अपने लिए बना लूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं ये वाटरमेलन, हमने इसमें से हाफ कट करके शाम को दे दिया और ये इतना मेरा बचा हुआ है, तो इसको मैं जा रही हूँ कट करके इसका नाश्ता करने। मतलब वही फ्रूट्स कुछ खा सकते हैं आप इस बीच में, तो बस वही खाना। और आप लोग भी अपनी डाइट में फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें, जो भी सीज़न का फ्रूट चल रहा हो, जैसे अभी वाटरमेलन ये सब ज़्यादा अभी मिलेगा अभी के सीज़न में, तो आप उसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ले कर जा रही फ्रेंड्स, आराम से खाऊँगी। कितना बज रहा अभी? अभी बज रहा है 12। और आज हम जा रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलने के लिए, MSK से। आप लोग कितने लोग जानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत एक्साइटमेंट है, मेरा ख्याल है मेरे इसमें से शायद ही कोई, क्योंकि मेरी सब लेडीज फैन है। हाँ, ज्यादातर उनका जो ब्लॉग होता है वो मोटो ब्लॉग वगैरह होता है, या एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो कोलकाता आए हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए आज ट्यूशन में, आज छुट्टी करती हैं, ऐसे सैटरडे है आज, तो छुट्टी कर दी है, कभी होगा तो फिर एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना मुझे जो एक रहता है ना कि सुबह से उठ करके 3 बजे तक का एक दिमाग में वो सेट रहता है कि टाइम की है ना, उस टाइम ये करना है, ये करना है, ये करना है, घर में बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर नहीं कर पाऊँगी, तो वो टेंशन आज मेरी ख़त्म है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ और एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ। और आज ब्लॉग भी अपना आराम आराम से करूंगी, वो जो हड़बड़ाहट रहती है मुझे वो नहीं होगी। और ये जनाब चले नहाने, नहाने के बाद ये जाएंगे, हमको जाना है यहाँ से बहुत दूर, लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है? हाँ, 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं मिलने के लिए। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है फ्रेंड्स? आज इतना अच्छा कलर नहीं आया है, कल तक आ जाएगा। तो अभी मैं भी अपने चैनल पे कोशिश कर रहा हूँ कि काम करूँ, और इंशाल्लाह रमजान से जो है वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहला जो जाने का ये है कि उनको बहुत दिन से देख रहे हैं ना, इसीलिए जा रहे हैं, एक बार मिलते हैं, देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है ये सब। तो ये है वो, मतलब वो जो यूट्यूबर है उनके फैन, तो इसलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। अगर आप लोग हैं मेरे फैन तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मौका मिलेगा तो हम भी आपसे मिलेंगे। इतना बड़ा सपना मत देखो। बस ऐसी ये मजाक का फ्रेंड्स, टूट जाता है, ऐसा नहीं है। मेरी जो फैमिली है वो मेरा सपना इंशाल्लाह जरूर पूरा करेगी। पूरा करेंगे ना फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जनाब के मसल का राज। देखिए इस तरह से ये पुशअप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जब तब जा करके थोड़ा अपना फिगर मेंटेन करके रखे हुए हैं। कैसा लग रहा है? हेलो हेलो, मजा आया?
है इनकी मेहनत, और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, चाहे हम अपना मसल गेन करें या बॉडी से फैट कम करें, तो मेहनत करती जो भी करे। हाँ मैं भी करती हूँ पूरा, तो मेहनत से ही होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा फ्रेंड। इसलिए आप लोग भी अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अपनी केयर करें, थोड़ी सी मेहनत कर ले एक्सरसाइज करके, बस जा रहे नहाने। तो चलिए मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम आज मिलती रहूंगी, आज आप लोग टेंशन मत ले, मैं आराम आराम से मिलती रहूंगी। फाइनली शैम अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिल पाए, आज 3 साल से इस यूट्यूबर को वो फॉलो कर रहे हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं शैम, उसका हर ब्लॉग देखते हैं, कुछ भी मिस करे उसको नहीं मिस करते हैं। और वो कोलकाता आए हुए थे, उन्होंने अपना मीटअप रखा था, तो शैम चले गए, उनको मौका मिला मिलने का, तो वो चले गए मिलने। आपको पता है आज मैं कितना खुश थी कि, मतलब आज ट्यूशन वगैरह नहीं है, मैं दिल से मतलब बहुत सोना चाह रही थी, मतलब ऐसे मन हो रहा था, नींद से पूरा मेरा आँख जल रहा है, एक दिन भी नींद पूरी नहीं होती है, नाइट में भी सोने में लेट हो जाता है मेरे साथ। एक और पता है क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स की, जैसे किसी का होता ना कि नींद पूरी नहीं हुई, जैसे दिन में या शाम में नींद आ रही है तो नाइट में फिर जल्दी आया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर जिस टाइम मुझे नींद नहीं आ रही है, अगर मैं नहीं सोऊंगी, बार बार नींद को मतलब अपने ख़राब करूंगी, तो फिर मेरा आँख में सिर्फ जलन होगा, नींद आनी बंद हो जाती है, वो चक्कर। आज मैं इतना खुश थी कि आज मैं थोड़ा दिन में सोऊंगी, 3 बार सोने की कोशिश की हूँ, 2 बार आँख लगी है अच्छे से, जैसे नींद में हल्का जा रही हूँ गेट नॉक हो रहा है। हालांकि कल सारे बच्चों को ना बोल दिया गया था, शैम से मैं बुलवा दी थी कि ताकि फिर मुझे कोई परेशान ना करे, आप बोल दें कि ट्यूशन छुट्टी है, सबको शैम ने कह दिया कि ट्यूशन छुट्टी है, फिर भी आज सब आ रहे हैं, गेट नॉक कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि आज ट्यूशन बंद है भाई, तो फिर सब जा रहे हैं। 2 बच्चों को भेजी हूँ, फिर आई हूँ सोने के लिए, फिर मुश्किल से 5 मिनट जैसे ही ऐसे होल्ड की हूँ आँख बंद करके नींद के लिए, फिर जैसे ही हल्का सा मतलब नींद सा आना शुरू हुआ, फिर गेट नॉक हुआ, तो कौन था, एक शाद नाम का लड़का, उसके बहन का, जो उसकी बहन पढ़ती है शाम के पास, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स ही आया था, तो वो बोल रहा कि अम्मी डॉक्यूमेंट्स मांग ली, कुछ काम है, तो फिर वो गेट बंद करके आई हूँ, और अब फिर से मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब आप बताइए ऐसे मेरी नींद कैसे पूरी होगी, पता है मेरा, आपको मेरा शक्ल देख के लग रहा होगा, आप लोग बोलते हैं ना कि डाइट करके आप कमज़ोर हो रही हैं, मैं कमज़ोरी है मुझे नहीं लग रही है, बस नींद ना पूरा होने की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये एक दिन का नहीं है, चलो एक दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती, 2 दिन पूरी नहीं होती, 3 दिन है, ये हफ्ता मेरा ऐसे ही चलता रहता है ट्यूशन वगैरह के चक्कर में। संडे को अगर ऑफ है तो संडे को घर में कुछ काम एक्स्ट्रा हो गया, अगर शाम के साथ कहीं थोड़ा चली गई या कोई आ गया मेरे या किसी के साथ चली गई, तो उस चक्कर में बाकी दिन ऐसे ही जाता है। तो बस यही है, कोई शिकायत नहीं कर रही, जस्ट आपको शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कितना अपना सोने का इंतजाम वगैरह सब करके। मौसम देखिए बाहर का एकदम ठंडा है, आपको जो है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है इसीलिए ऐसा दिख रहा, नहीं तो बाहर का मौसम एकदम ठंडा है, हल्की हल्की सी भी अभी बारिश भी हुई थी जो ख़त्म हो गई। मैं देखिए लाइट वाइट सब ऑफ करके, ये देखिए नाइट बल्ब ऑन कर ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा पूरा अंधेरा से मुझे डर लगता है, घर में कोई नहीं है सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने नाइट बल्ब ऑन कर लिया। ब्लैंकेट वगैरह ले करके मैं 1 किलो अपना लेकर के आराम से सोई हूँ फ्रेंड्स, 2-2 बार नींद मेरी ख़राब होती गई। देखिए इतना इंतज़ाम करती हूँ, अभी मैं फिर से जा रही हूँ सोने के लिए फ्रेंड्स, कोशिश करने के लिए, दुआ करती हूँ अब कोई नहीं आए क्योंकि मुझे ना रोने जैसा आ रहा है, तो चलिए मैं सोने की कोशिश करती हूँ, अगर सो पाई तो फिर मैं उठने के बाद आप लोगों से मिलूँ। और अब मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ फ्रेंड्स, शाम आ चुके हैं, और वही था कि दिन में ना हमने वही शाम को आने में लेट हुआ, तो मेरा जब लंच डिनर जो भी तो मैं एक ही बार कर रही हूँ, तो उसमें लेट हुआ, तो वही गोश्त थोड़ा सा और थोड़ा सा चावल बच गया था, तो उसको ही मैंने खा लिया। उस टाइम फ़ोन ऑफ था क्योंकि बारिश की वजह से लाइट फिर चली गई थी, तो फ़ोन ऑफ हो गया था, तो फ़ोन को मैंने ना चार्ज में लगा दिया था, इसलिए वो नहीं शूट कर पाई, मतलब आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, तो ऑफ कैमरा ही मैंने वो खा लिया था। और अब बना रही हूँ यहाँ पे मैं आलू के पराठे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो मैं बैटर बनाई पहले ही बना करके रख चुकी थी ताकि वो ठंडा हो जाए ना, तो आलू के पराठे की जब आप फिलिंग करेंगे ना तो वो फटेगा नहीं, अब गर्म गर्म आलू के पराठे की फिलिंग करेंगे तो वो फटेगा पराठा और पूरा मतलब ख़राब हो जाएगा पराठा, तो इसलिए मैंने ना बना करके पहले ठंडा करने के लिए रख दिया था। और इसका आटा भी सॉफ्ट घी गूंदना फ्रेंड्स, आप बनाना। वैसे इसकी इस पराठे की मेरे आलू की आपको जो है ना फुल रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी तो मैं हमेशा बताती हूँ, मतलब जब भी बनाती इधर मैं कम बना रही हूँ, नहीं तो पहले तो इससे ज़्यादा बना रही थी, ख़ास करके ठंडियों में तो आए दिन आलू के पराठे ही बनते थे अक्सर मेरे यहाँ डिनर वगैरह में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़ कि बार बार क्या ही एक ही किसी पिटी सी रेसिपी आप लोगों को दूँ। हालांकि आप लोग मेरे कुकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट किया आप लोग, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया।
आप लोगों ने कहा तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ गई, नहीं तो मुझे लगता था कि पता नहीं शायद आप लोग बोर हो जाते होंगे कुकिंग का देख देख करके। और आज ना फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब अचानक से शाम से, मतलब अचानक से क्या, मेरा टाइम हो ही रहा था वही जो पीरियड का टाइम होता है हम लोग का मंथली, वो चालू मेरा हो गया। आज फर्स्ट डे इतना पेन है और इसी पेन में पता मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई हो काश घर में जो दो चार रोटी बना करके कुछ भी इंतजाम करके खाने का दे दे, इतना पेन हो रहा था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था किचन में। मगर फिर भी किसी तरह से शाम को भूख लगी थी तो मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी आलू के पराठे। और मैं मतलब क्या ही बोलूँ, खड़ी हो रही थी ना तो पेन इतना ज़ोर ज़ोर कर रह रहे कि थोड़ी थोड़ी देर पे आ रहा था ना कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी हम लोगों का क्या ही करूँ, करना ही पड़ता है, नहीं तो कौन करेगा खाना पीना। तो बस बन गया आलू का पराठा, आ जाइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ आपको उड़ता उड़ता दिखाई दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए फिर बारिश हो रही है और मेरा पराठा रेडी हुआ। और जैसे मतलब इनको ये पराठा और कैसा पूरा एकदम ब्लर आ रहा है इस कैमरे में नाइट का फ़ोन से, तो अभी ठीक हुआ थोड़ा, मौसम ठीक तो जैसे इनको खाना ला करके दी हूँ और बस लाइट चली गई। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही हम आए हैं मीटअप से और बहुत लेट हो रहा है फ्रेंड्स, लाइट चली गई, फिर मच्छर और सारा चीज़ परेशान कर। केचप के साथ मजा आ रहा ना, केचप का टेस्ट बढ़ जाता है, केचप को सचुलाई थे वही वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ था, बस उतना ही बचा हुआ, अब है भी नहीं। थोड़ा थोड़ा लगा के खाइएगा, नहीं आप पूरा उसका निचोड़ के ला दीजिए जितना पैकेट में था पहले, यूज़ कर लेते पूरा, तो उसमें कितना था ये, तो पास्ता के दिन उसी में यूज़ हो गया ना, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ना, पाउच वाले में कितना रहेगा, बॉटल लाए थे क्या इसीलिए, पास्ता का मजा आया था ना। पास्ता बहुत ही यम्मी बना था, हाँ सब पूछ भी रही थी क्या, तो पास्ता सच में अच्छा बना था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ कभी पास्ता बनता है कभी पराठा बनता है यही सब है हम लोग खाना, जब भी कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो ये सब खा लेते हैं, है ना, अच्छा लगता है। बाहर की चीज़ों को खाने से अच्छा है कि घर का चीज़ खाएंगे तो थोड़ा कम अनहेल्दी भी होता है, तेल का तो वैसे भी है लेकिन अनहेल्दी कम होता है। फ्रेंड जंक नहीं है, मैं आप लोग मतलब मुझे नहीं देख पा रहे, आ गई लाइट मैं वही बोलने वाली थी कि मैं अगर अपने फेस पे करूँगी भी तो नहीं आएगा क्योंकि फ्लैश लाइट तो सिर्फ बैक से चालू है। अच्छा मतलब यम्मी डिनर बना है और मेरी मेहंदी का हाँ थोड़ा सा और मेरा ये देखिए मेरा मेहंदी का कलर कितना अच्छा आ गया है, और आप लोग कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने अपने ब्लॉग का भी यहाँ पे एंड करती हूँ, तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जो लोग हमारे चैनल इस बार हम बोल रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलिए इस बार हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली में बड़ा कीजिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आज का इतना खूबसूरत मौसम और ये टेस्टी पराठा और साथ में सॉस, सॉस में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता ही है, सॉस बोलेंगे केचप बोलेंगे, केचप केचप है, टोमेटो केचप, अच्छा लगता है, टेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, मज़ा लगा देखने में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।